हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके स्टडी नंबर 1 पे। तो चलिए आज आप लोगों को साइंस में फिजिक्स का एकदम एकदम धांसू लाए हैं, धांसू ट्रिक लाए हैं, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चन लेके आए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, कैसे जानेंगे और कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसमें इस तरह से अभी लिखे हैं, लेकिन इसका परिभाषा आप लोग खुद लिख दीजिएगा। तो फिर खुद लिखने के लिए क्या है कि लिखने के बाद तो आपको वीडियो को प्यूज करना है और तुरंत लिख लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं क्या है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो दक्षिण हस्त नियम कौन है? दाहिना हाथ बोला है, ये दाहिना हाथ है। क्या है? दाहिना हाथ बोला है। दक्षिण हस्त नियम में जानेंगे क्या है, तो बोलेंगे कि अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां ऐसे फैला देंगे, 1 2 3, है ना, 3 उंगलियां, 1 2 3 है, तो 3 है। तो यहाँ जानेंगे कि अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां माध्यमा तर्जनी अंगूठा, माध्यमा तर्जनी अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं, देखो फैला हुआ है ना, इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर समकोण बनाए, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, परस्पर समकोण, समकोण बन रहा है ना, समकोण बनाए, परस्पर समकोण बनाए, है ना। तो तर्जनी जो है ना, तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त कर संकेत करता है, तथा ये जो माध्यमा है धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। क्या है? धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, और संकेत करता है, तथा अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा की ओर व्यक्त करेगी, चालक पर लगे बल की दिशा की ओर व्यक्त करेगी। तो आप लोग को समझ में आ गया है ना, तो आ गया तो कमेंट करें, है ना। चलिए फिर एक बार और बता देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से और मालूम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखना है कि बोला है, देख लीजिए, अपने दाएं, मतलब इसका बोला है फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा कि दाहिना फैलाएंगे, ये नहीं, ठीक है, यहाँ ऐसे करेंगे, अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर समकोण बनाए, अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां माध्यमा तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि समकोण बनाए, समकोण बनाए, ठीक है। और माध्यमा क्या है कि बोलेंगे इसको तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करता है, तथा माध्यमा धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तथा और बोलेंगे और अंगूठा धारा, अंगूठा चालक पर लगे बल, चालक पर लगे बल की दिशा की ओर संकेत करेगी या व्यक्त करेगी, बात बराबर। तो आपको लिखना है तो वीडियो को प्यूज करके लिख सकते हैं मेरे प्रिय दोस्त, है ना। आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गया होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।